तो हाँ भाई बॉयज एंड गर्ल्स, क्या हाल चाल है। दिस इज योर बॉय मूसा खाना एंड वेलकम बैक येट टू अनदर व्लॉग। बॉयज एंड गर्ल्स, आज का सीन ये है कि जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे डब्बे वगैरह पड़े हुए मेरे घर पे यार, और यहाँ से बेसिकली वी आर मूविंग आउट। तो भाई सीन ये है कि फुल अभी गंद मचा हुआ है सारा। मैं अभी अकेला आया हूँ ये वाला करने। वैसे तो फिजा ने मेरी बहुत हेल्प कराई थी बॉक्सेस वगैरह सब पैक करने में। प्लान ये है कि मूवर्स मैंने इस दफा हायर की, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने खुद किया था भाई, बहुत हेडेक है। तो ये सारे बॉक्सेस, ये बड़ा वाला फर्नीचर और ये टेबल हो गए, ये चीजें वगैरह होगी ना, ये फिर उठाना आसान नहीं होता खुद। दूसरा उठाने की बात भी नहीं है, उनके पास बहुत बड़ा ट्रक होता है जिसमें सारा सामान एक ही गो में लोड करके वो ले जाएंगे। ये मैं अभी फोन से व्लॉग बना रहा हूँ, और मैंने कैमरे से अपने बनाना था, मैं लाया हुआ यहाँ पे, लेकिन कैमरे का मैं मेमोरी कार्ड भूल गया हूँ मामू के घर पे, फिजा के मामू जो है। तो सीन ये कि अभी इसी से बनाता हूँ। ये टेपो पे हमने नाम लिख लेके, कॉफी मशीन की हो गई, ये किचन सप्लाईज हो गई, ये स्पाइसेज हो गई, अभी भी कुछ बॉक्सेज है जो खुले में मैंने टेप लगा के जोड़ने हैं, तो वो मैं जोड़ लूँ। ये भी चीज देखो कि सारे जो मेरे पड़े होते हैं ना फिगर्स, वो भी मैं सारे उठा के ले गया था ऑलरेडी, क्योंकि प्लान ये है कि हम मामू की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। बेसिकली उनके पास कमरा है, उनके पास जगह है, तो हमने कहा कि 2-3 महीने के लिए, ये थोड़े से टाइम के लिए हम उनके पास रहेंगे। इसलिए क्योंकि आइजन जो है यू नो अभी बच्चा है, छोटा है, तो उसको संभालने के लिए हमें थोड़ी सी हेल्प चाहिए होगी, और फिर यू नो शी स्टिल रिकवरिंग। तो हमने कहा कि उनके घर पे मूव हो जाते हैं और उसके बाद फिर हम अपनी जगह पे जाएंगे इंशाल्लाह, होपफुली, क्योंकि इस अपार्टमेंट की लीज खत्म हो रही थी इसी टाइम पे जब आइजन पैदा हुआ है। हमने पहले प्लान बनाए थे खुद हो जाएंगे, फिर मामू ने कहा मेरी जगह पे आ जाओ, उसके बाद डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। तो अभी ये प्लान है, इसलिए ये सारा जो सामान है ना ये स्टोरेज में जा रहा है, और जो चीजें ना जो हमें इमीडिएट चाहिए होती है, जैसे कपड़े हो गए, बाथरूम सप्लाईज हो गए, जो भी चीजें होगी वो सिर्फ मामू के घर पे लेके जा रहे हैं। और ऑफ कोर्स मेरे फिगर्स, वो मैं लेके गया हूं वहां पे, वो नहीं मैं स्टोरेज में छोड़ सकता, वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारे ना बाय द वे एक ये चीज रह गई थी यहाँ पे, फिजा ना भूल गई थी। जब नया नया हमें पता चला था ना कि वी आर एक्सपेक्टिंग, तो फिजा गई थी वहां पे टारगेट पे कहीं पे ना, ये जूते इसके लिए लेके आई थी, और ये कुछ अल्ट्रासाउंड की पिक्चर्स हैं जो मैंने आपको कभी दिखाई नहीं, खैर, लेकिन ये आइजन की अल्ट्रासाउंड की पिक्चर्स थी जिसकी हम जब भी होता था तो मेमोरी सेव करते थे, यहाँ पे रखते थे ना, तो इट हैज ऑल द स्टेजेस। एनीवेज आपको अंदर के सीन्स दिखाता हूँ कि यहाँ पे देखो जहाँ मेरा वर्क स्टेशन होता था सारा खाली करके मैं ले गया हूँ। वर्क स्टेशन में मामू की तरफ लेके गया हूँ, ऑब्वियसली काम होता है उस पर सारा, वो करना है। अभी भी कुछ सामान पैक करना है यहाँ पे, जैकेटें वगैरह कुछ पड़ी है, मेरी लाइट्स हैं, ये सारा सोफा है ये तो स्टोरेज में जाएगा, बेड भी उधर है उनके पास, तो बस मैट्रेस में भी लेके जा रहा हूँ मैं। बाकी ये भी देखो सारा खाली हुआ है यहाँ पे हमारा, और ये ड्रेसर टेबल भी उधर जाएगी, ये मिरर जाएगा, ये जाएगा पिज़्ज़ा का, हमारी साइड टेबल जाएगी उधर, और अंदर जो बड़ा वाला ड्रेसर है जो इसमें कपड़े वगैरह होते हैं ये जाएंगे। बाकी सारा आप देख सकते हो अंदर खाली पड़ा हुआ है, बाथरूम वगैरह भी सारे खाली हो चुके हैं। अब ये वॉशर ड्रायर था, ये भी हमारा था, ये भी हमने लेके जाना है स्टोरेज में, क्योंकि मामू के घर तो पड़ा है वॉशर ड्रायर। तो बेसिकली कहने का मतलब है जो चीजें उनके घर है वो हम स्टोरेज में भेज रहे हैं, एंड जो चीजें हमें इमीडिएट चाहिए वो अपने साथ लेके जा रहे हैं हम। जब मूवर्स आते हैं तो फिर मिलते हैं आपसे, बट बिफोर वी कंटिन्यू दिस व्लॉग डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर बॉय मूसा खाना एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी इन इंस्टाग्राम एंड ऑन टिकटॉक। बहुत से लोग मेरी ये रॉ वाली फीलिंग मिस कर रहे थे व्लॉग्स की, और कह रहे थे यार वो एक देखने का भी अपना मजा होता था। आई विल स्विच बैक एंड फोर्थ, कभी मूवी टाइप व्लॉग बनाऊंगा जो कि 2K 4K वाली होती है, कभी ये वाले रॉ वाले बना लेंगे, क्योंकि उसमें एक्शन की बहुत जरूरत है ना, मैं बात ज्यादा कर रहा हूँ उसमें। और दूसरा बस हम मूवर्स का वेट कर रहे हैं, वो आते हैं तो फिर मिलते हैं। हाँ भाई बॉयज एंड गर्ल्स, सीन ये है कि सारा सामान हो गया था गाड़ी में लोड, और अभी मैं दिखा इसलिए नहीं पाया, मेरे मोबाइल की बैटरी बहुत कम थी, ये देखो अभी मैंने चार्जिंग से लगाया हुआ है, और अगर आपको पीछे पाऊं पाऊं की आवाज आ रही है तो वो मेरी कैटो है। कैटो को हम अगले घर में लेके तो नहीं जा सकते मामू के, लेकिन एक और जगह है जहाँ पे कैटो रहेगी, कैटो से मेरी हो जाएगी जुदाई, ये बहुत सैड एक मोमेंट होगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, कैटो को बस जा के हम मिलते रहेंगे, लेकिन यार बहुत दुख हो रहा है मुझे इस वक्त। उसी जगह पे जो स्टोरेज है ना वो बेसिकली घर है, वहाँ पे कुछ लोग रहते हैं तो वो कैटो को पालेंगे, तो कैटो को हमने वहाँ पे छोड़ना है। मैं थक गया हूँ यार, 4 घंटे हो गए पिछले बॉयज एंड गर्ल्स बस सामान ही लोड करवाए जा रहे हैं। I just want to go home. Just want to go home, Dad. Sorry, my foot. Sorry, my foot. मैं इतना हंसा हुआ देख के यार। सीन ये है कि इस वक्त मैं मामू की तरफ आ गया हूँ, और वो जो मूवर्स हैं उनसे मैंने कुछ सामान अपना इधर हमने करवाना था, जैसे कि ये ड्रेसर टेबल है ये हमें चाहिए थी, एक और है इसमें भी कपड़ों का सामान रखना है, फिर मेरी कंप्यूटर की चेयर मुझे चाहिए थी, क्योंकि देखो ना सेटअप तो मैंने वो सामने लगाया हुआ है, और ये हमें एक कमरा दिया उन्होंने काफी बड़ा है, जो कि जिसपे हमारा डराई थी मामा, वो पैंपर चेंज कर दो बेबी को
ओए तूने पापा को मिस नहीं किया सारे दिन ओए चपेड़े मार रहा बॉयज एंड गर्ल्स डिड यू गाइस हेल्प मॉम मुझसे ना हो पाएगा नहीं नहीं अभी रो रहा है मेरे हाथों पे रोता नहीं इसको लगता है पूटी आई है जो कैटो है ना उसको हम इधर लेते मामू की तरफ लेकिन अभी बाहर ही रहेगी ये सीन ये कि इसको कल वो जगह पे लेके जाएंगे जहाँ पे मैंने लेके जाना था और मैं उस फाइनल जगह पे नहीं जा रहा वो जो मूवर्स है ना वो ही ले जाएंगे उधर सीधा ना तो मैं तो अपने बस घर अभी वापस जाऊंगा मैं आपको कमरा दिखा था बीच में मामू आ गए थे खैर तो ये कुछ चीजें जो हमने मंगवाई हैं ये हमारा कमरा होगा इस वक्त ठीक है एज यू कैन सी ये बेसिनेट है बेबी की बाकी ये क्लोजेट वगैरह आई मीन परफेक्ट है यार और मोर देन गुड बिकॉज अब मेरा जो कंप्यूटर सेटअप है यू नो फिजॉर्स के साथ ही होगा मैं उनको भी देखता रहूंगा साथ बेबी की रातों को मैं जागता हूँ उससे तो नाइट ड्यूटी हम कर लिया करेंगे दूसरा सीन ये है कि अभी मैंने जाना है घर जो फाइनल सामान है ना वो पिक करना और फिर उस घर से निश्ते खत्म हो जाएगा हमारा ताल्लुक आपको मैं सीधा उधर लेके चलता हूँ ठीक है लेट्स गो मैं अपनी ये जगह पे वापस आ गया हूँ अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स पे और सीन ये है कि इस वक्त जैसे आप अपार्टमेंट देख सकते हैं सारा खाली हो गया आप देखो कितना बुरा लग रहा है एम्प्टी एम्प्टी यहाँ पे टीवी पड़ा होता था यहाँ पे सोफा होता था ये विंडो है बाहर वो किचन है ये सारा देखो खाली हो गया मूवर्स ने सब कुछ ले गए यहाँ से तो बस ये कुछ चीज़ें हैं जो मामू के घर जानी थी जैसे बेबी का स्ट्रोलर वगैरह है कुछ हमारी अपनी चीज़ें मेरा कैमरा हो गया जैकेटें वगैरह हैं जो लेके जानी है वो डायपर उसके आई थिंक इस कमरे का हम ऑलरेडी सारा ले गए थे जो फिजा और मेरा कमरा होता था और ये देखो सारी क्लोजेट वगैरह सारे बाथरूम वगैरह सब कुछ एम्प्टी है और बस ये जो इंटरनेट है जो वाईफाई है अपना ये बस उतरवाना है इसका कनेक्शन अभी मैंने कटवाना है बाकी ये है बॉयज एंड गर्ल्स सब कुछ एम्प्टी खल्लास इस घर से हमारा बंधन खत्म हो गया है तो ये थी स्टोरी इस घर की ये सामान रख लूं गाड़ी में उसके बाद फिर आपसे सीधा मामू के घर पे मिलते हैं तो वहां पे वीडियो एंड करेंगे बॉयज एंड गर्ल्स सीन ये है कि वो सारा घर खाली हो गया था और अब फाइनली हम ये आ गए हैं मामू के घर में ही अभी मैं वापस आया उस कमरे में और अभी अंधेरा हो रहा है मेरे कंप्यूटर का सेटअप पड़ा हुआ है बेसिकली और यहां पे डिम लाइट्स करके अभी बैठे हुए हैं तो फिजा तो सो रही है बच्चा भी सो रहा है लेकिन ये वाला मेरा लिटरली आई मीन ये सारा अपना ही घर होगा लेकिन यहां पे मैं मोस्टली पाया जाऊंगा इस कमरे में वी विल बी हियर फॉर सम टाइम और इंशाल्लाह उसके बाद जैसे मैंने कहा था कि मूव करेंगे आगे जाके और इंशाल्लाह मैं आगे ऐसे ऐसे व्लॉग्स बनाऊंगा जो कि आपको देखने का बहुत मजा आएगा जर्नी खत्म नहीं हो रही मैं कह रहा था ना जर्नी कीप्स इंक्रीजिंग इट कीप्स गेटिंग बेटर तो दिस इज अनदर स्टेप टू आवर लाइफ आई होपफुली इट टर्न्स आउट टू बी गुड बिफोर वी गो बॉयज एंड गर्ल्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर बॉय मूसा खाना और बेल आइकन भी दबा दिया करो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग